भाई हमारा आ गया, कॉर्न डॉग भी आ गया भाई। और ये तो हमारे फ्राइज, अच्छा कॉर्न डॉग है ये, मटका फ्राइज और लोडेड फ्राइज ये आ गए भाई, जबरदस्त जबरदस्त। चलो इसको ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे और आज हम यहाँ ट्राई करने वाले हैं क्रिस्पो बिस्ट्रो के लोडेड फ्राइज, कॉर्न डॉग और मटका फ्राइज। ये रास्ता जो आ रहा है, ये आ रहा है तबाहट की तरफ से, तो तबाहट से काफ़ी आगे आएंगे आपको, तो आपको ये मिलेगा कराची आइसक्रीम के एकदम अपोजिट। और अगर आप दूसरी साइड से देखें तो वो लाल मस्जिद है, वहाँ से ये शॉर्टर वे है, तो ये आपको कराची आइसक्रीम के अपोजिट ही मिलेगा। तो कराची आइसक्रीम इस रोड पे, उसके दूसरे अपोजिट रोड पे आपको आना है। मटका फ्राइज में एक्चुअली पोटैटो क्यूब्स हैं, उसके ऊपर चीज़ और चिकन और डबल चीज़, एक्चुअली चेडर और मोज़रेला चीज़ लगी होती है, तो वो डबल चीज़ लेयर वाले होता है मटका फ्राइज, तो आज वो ट्राई करने वाले हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बन रहा है, इसकी मेकिंग वगैरह अभी टेस्ट करके बताते हैं। अच्छा कॉर्न डॉग जो है, इनके पास चीज़ें रेडी हैं, वो जस्ट फ्राई होता है, तो मैं इसका आपको टेस्ट का रिव्यू दूंगा, वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। चलें चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ये हाफ कुक होते हैं इनके पास रेडी, और ये बाद में तेल के अंदर फ्राई करके फुल कुक कर देते हैं, और फिर इसको फिल करेंगे मटके के अंदर। भाई ये मर रहा है हमारा वन बाइट लार्ज लार्ज मटका फ्राइज वन बाइट। ये पोटैटो के क्यूब्स हैं, और ये आ गई चिकन, चिकन ये आ गई चीज स्लाइस, ये डायनामाइट सॉस, क्रीमी सॉस। तो ये दोबारा से दोबारा चिकन आ गई हमारी, चिकन की टॉपिंग हो रही है, दोबारा डायनामाइट सॉस, क्रीमी सॉस, ये कौन सी है? एलेपिनो सॉस, एलेपिनो सॉस ये आ गई, मोज़रेला चीज़, ऑलिव्स, एलेपिनो। चलो भाई आप ये मटका फ्राइज को लग रही है आग ताकि चीज़ पिघल सके, तो मेल्ट कर रहे हैं इस फायर से। पिक्चर ले लो भाई, बस 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 बस, क्या कर रहा है, मारेगा क्या? बस बस बस, बहुत स्पाइसी नहीं कर भाई। हाँ हाँ, ये भी क्या बना रहे हैं? लोडेड फ्राइज, लोडेड फ्राइज, लोडेड फ्राइज बन रहे हैं भाई, लोडेड फ्राइज बन रहे हैं हमारे। ये भी आ गया चिकन, ये कौन से है? क्रीमी, क्रीमी सॉस, डायनामाइट सॉस। अच्छा इसमें चिली गार्लिक नहीं डालते हैं? चिली गार्लिक मैंने मसाला ज़्यादा डाल दिया। अच्छा इसको डालते हैं, ओके। भाई इसके लिए कितना लोडेड फ्राइज ही है, इतना लोड करने के बाद दो बंदे तो आराम से खा लेंगे भाई, स्नैक्स के तौर पे चल सकता है, अगर एक बंदा खा लेगा तो उसका तो समझो एक मील हो जाएगी। ये एलिपिनो, एलिपिनो सॉस, दोबारा क्रीमी सॉस आ गई, क्रीमी सॉस आ गई इसके ऊपर, इसकी जो डबल कोटिंग हो रही है तमाम सॉसेस की।
डायनामाइट सॉस, डायनामाइट सॉस अभी। अभी आगे चिली गार्लिक, चिली गार्लिक इतने में ही बहुत चॉइस। चटल आ गया, चैटर चीज, और इसके ऊपर आएगी मोज़रेला चीज। अरे एक और चैटर आ रही है भाई, डबल चैटर है, डबल चैटर है। ओके, एक और चैटर आ गया भाई, डबल चैटर है। कवर कर दिया ऊपर से चैटर से, और चैटर चीज के ऊपर अभी है, अभी आ गई मोज़रेला। ऑलिव्स की टॉपिंग हो रही है, ये ब्लैक ऑलिव्स है, ऑलिव्स की टॉपिंग एंड द पीनोस बन जाएगा, बोलेंगे ऑर्डर करेंगे भाई। या तो माइक्रोवेव में कर लो या फायर गन, ज़्यादातर आप देखेंगे लोग, बहुत से लोग फायर गन यूज़ करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव के लिए फिर आपको हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी दरकार होती है, जो कि आजकल पता है कि पाकिस्तान में बहुत कम अवेलेबल है। भाई ये हमारा लोडेड फ्राइज रेडी है, अब ये जाएगा हमारे मुँह में, टेबल के ऊपर आएगा, फिर हमारे मुँह में जाएगा, और फिर हम आपको बताएँगे इसका टेस्ट क्या है। जब तक मैं इसकी फ़ोटोग्राफ भी ले लूँ, क्योंकि थंबनेल में भी तो लगानी है भाई। भाई ये हमारा आ गया है, कॉर्न डॉग भी आ गया है भाई, और ये तो हमारे फ्राइज, अच्छा कॉर्न डॉग है ये, मटका फ्राइज और लोडेड फ्राइज ये आ गए भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलो इसको ट्राई करते हैं भाई। ये भाई ये कॉर्न डॉग पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, क्या नहीं पता है किस तरह खाते हैं, लेकिन लॉलीपॉप की तरह ही है, तो उसी तरह ही खाएंगे, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ मैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे वैसे भाई ये तो फुल चीज से लोडेड है, चीज़ लवर के लिए अच्छा है। आई एम नॉट अ बहुत चीज़ लवर, अच्छी लगती है बहुत, इतना ज़्यादा नहीं, लोडी है भाई फुल चीज़ से। अब दूसरी प्रोडक्ट पर जाता है, क्योंकि और भी दो लोग बैठे हुए हैं, उनको भी करना है ट्राई। ये है वन बाइट फ्राइज, मटका फ्राइज वन बाइट कह रहे, इसमें भी चीज़ चिकन, ये चिकन है, ये चिकन आ गई हाथ में, अरे गिर रही है ये तो। अरे ये चिकन भी है, फ्राइज है, चीज़ है, ऑलिव्स है, तो इसको भी ट्राई करते हैं बाइट को। तीनों का हिसाब बताऊंगा, अब ये इससे कहाँ आएंगे, अच्छे लेते हैं। भाई चैडर चीज़ के साथ दिया है, फ्राइज़ गिर रहा है बार बार, चैडर चीज़ के साथ। यार कॉर्न डॉग तो बिल्कुल डिफरेंट आइटम है, और क्रिस्पी और चीज़ से लोडी गए तो थोड़ा सा इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, बट इन दोनों मटका फ्राइज में मुझे सबसे ज़्यादा मटका फ्राइज और लोडेड फ्राइज में से लोडेड फ्राइज ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि इसकी जो चेडर चीज़ और दूसरी चीज़ें फ्राइज हम नॉर्मल खाते हैं वही हैं, ये भी अच्छा है, बट ये थोड़ा सा माइल्ड टेस्ट है, वो स्पाइसी है, ये माइल्ड है वो स्पाइसी है, तो अच्छा है। यानी कि मटका फ्राइज भी अच्छे हैं इसके लोडेड फ्राइज में से, बट लोडेड फ्राइज मुझे ज़्यादा अच्छे लगे मटका फ्राइज से, हालाँकि इनकी स्पेशलिटी मटका फ्राइज है, लेकिन मुझे लोडेड फ्राइज में ज़्यादा मज़ा आया चेडर चीज़ के साथ। और इसमें दो किस्म की चीज़ें इसमें भी है अंदर, वो अंदर डुबकी मारेंगे तो मज़ीद पता चलेगा। तो भाई अभी के लिए तो फिलहाल हमारा इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।